हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनसर क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी व्याकरण का, और इसमें आज हम देखेंगे विशेषण मतलब एडजेक्टिव। विशेषण में आज हम यहाँ पर देखेंगे कि विशेषण किससे कहते हैं, उसकी व्याख्या यहाँ पर देखेंगे, और विशेषण के जो भेद है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, मतलब व्याख्या देखते हैं कि जो शब्द क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि फूल, फूल ये क्या हुई, संज्ञा हुई। फूल के बारे में एक विशेषता बताइए कि फूल कैसा है, पीला है, पीला फूल, फूल के बारे में बताया गया है। तो पीला क्या हुआ, विशेषण हुआ, और फूल क्या हुई, संज्ञा हुई। मतलब फूल के बारे में बताया गया है तो उस फूल संज्ञा हुई, और जिसके बारे में बताया जाते उसे हम विशेष्य कहते हैं। हाँ, और जो बात बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो फूल क्या हुआ, विशेष्य हुआ, और पीला क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण हुआ। तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देखिए, भवन ये क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा क्या हुई, विशेष्य हुई, और संज्ञा के बारे में यहाँ पर बताया गया है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। भवन कैसा है, विशाल भवन है, तो विशाल क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और फोर्थ नंबर का जो है वो सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण मतलब ये वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि मेरी माँ मेरे लिए सुंदर और रंगीन पेंसिलें लाई है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी माँ ने भी मुझे नए जूते और लाल फ्रॉक दी है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के जो वर्ड्स है, सुंदर, रंगीन, यहाँ पर लाल, गुलाबी, सुनहरा, तो यहाँ पर अच्छी, तो ये जो शब्द है वो क्या हुए, गुणवाचक विशेषण हुए। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में यहाँ पर उनके गुण बताए गए हैं कि सुंदर है, रंगीन है, लाल है, पीला है, सुनहरा है, उसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण देखिए, सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, और उसके बाद यहाँ पर कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। दूसरा जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि अरे आप कई दिनों के बाद आए हैं, कई ये शब्द यहाँ पर ब्लू कलर से है। यहाँ पर मुझे चार साबुन और कुछ टॉफियाँ दे दीजिए, यहाँ पर चार और कुछ। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कि संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण देखिए, कुछ पुस्तकें, तीन छात्र, कई पेड़, आठ केले, सात कुर्सियां, जिन प्राणियों या वस्तुओं के हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है परिणामवाचक विशेषण। अभी परिणाम का अर्थ है माप तोल, मतलब माप तोल कर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उपर्युक्त ये यहाँ पर 5 लीटर दूध है, यहाँ पर थोड़ा सा दूध है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो रंगीन शब्द है वो परिणामवाचक विशेषण है। जैसे कि देखिए यहाँ पर और एग्जाम्पल, थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है उनके लिए परिणामवाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। अभी देखिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह
घर रमन का है। घर, वह घर, कौन सा घर? वह घर, उसका घर बहुत सुंदर है। तो उपरोक्त शब्द कैसे है? सार्वनामिक विशेषण है। और इसमें देखें, और एग्जाम्पल, वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इस लेसन में हमने जो जो बातें देखी है वो पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, माप, तोल आदि बताते हैं। उसके बाद जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर ये जो विशेषण चैप्टर है वो यहाँ पर आज देखा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, समझ में आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।